मंत्री श्री पद नाइक ने कहा मानस को जलाना अक्षम्य अपराध। केंद्रीय जहाज रानी एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने सोमवार को कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि यूपी में रामचरितमानस को जलाना अक्षम्य अपराध है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन में विश्वास रखती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उत्थान में लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष में बैठे नेता प्रभु राम और सनातन धर्म के विरोधी हैं। ये बातें उन्होंने माघ मेला स्थित अखिल भारतीय धर्म संघ के शिविर में युवा चेतना के तत्वाधान में आयोजित संत समागम में बतौर मुख्य अतिथि कही। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रभु राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की महिमा पूरी दुनिया में है। उन्होंने बताया कि गोवा में पैदा हुए, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ने के कारण कई बार राम जन्मभूमि पर आने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं। जनता प्रभु राम और संतों के आशीर्वाद से फिर मोदी सरकार की वापसी करेगी। उन्होंने युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह के माघ मेला क्षेत्र में सेवा कार्यों को सराहा। इनके पास स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन धर्म ही पूरी दुनिया का मूल है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि देश विरोधी शक्तियां प्रभु राम और तुलसीदास के खिलाफ सक्रिय हो गई हैं। संत समाज स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यवहार से बहुत आक्रोशित है। बाइबल और कुरान पर कभी कोई नेता नहीं बोलता। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातनी कमजोर नहीं है कि कोई भी हम पर बयानबाजी करे। संत समागम की अध्यक्षता करते हुए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्रभु राम सनातन धर्म और श्री रामचरितमानस पर गलत बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर सनातनियों का अपमान किया है।